दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आज आपको बताऊंगा क्रोध की होम्योपैथिक चिकित्सा। मित्रों, जिन व्यक्तियों को बहुत अधिक गुस्सा आता है, वे बात बात पर चिड़चिड़े रहते हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, ऐसे लोग अपने मन में दमित मनोभाव के कारण बहुत ही कुंठा पैदा कर देते हैं और ये गुस्सा इनके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होता है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा गुस्से की होम्योपैथिक चिकित्सा, जो अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा है। तो दोस्तों, गुस्से के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होम्योपैथिक औषधि है, जिसकी जानकारी मैं आपको आज दूंगा, जिसका नाम है कैमोमिला। ये कैमोमिला दवाई, जिसका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, जिसको बात बात में गुस्सा आता है और उस गुस्से के कारण उसके शरीर में दूसरे विकार उत्पन्न हो गए हैं, जैसे बदहजमी, गैस बनना, एसिडिटी बनना, सिर में दर्द होना, जितने भी ये शारीरिक कारण दूसरी बीमारियां गुस्से के कारण से पैदा हो गई हैं, इन सभी बीमारियों में कैमोमिला बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। कैमोमिला आप 30 पोटेंसी से लेके 1000 पोटेंसी तक यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है गुस्से के लिए। मैं एक महिला की चिकित्सा कर रहा था, उसको गठिया बहुत लंबे समय से उसके जोड़ों में दर्द था, जोड़ों में सूजन रहती थी। मैं उसको सभी प्रकार की जोड़ों के दर्द की होम्योपैथिक चिकित्सा उसकी करता रहा, सभी प्रकार की दवाई मैंने उसको दी, लेकिन उसको आराम नहीं हुआ। फिर मैंने उसको कैमोमिला 200 में दिया, तो कैमोमिला 200 जो गुस्से की होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवाई है, तो कैमोमिला 200 से उसका जो जोड़ों का दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया, आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो गया। तो उसका वो जोड़ों का दर्द, उस महिला का वह जोड़ों का दर्द अपने गुस्से को दबाने के कारण पैदा हुआ था। आप इस कैमोमिला मेडिसिन को अपने घर में मंगा के रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब भी आपका मन अशांत हो, तनाव में हो, जब आपका मन चिड़चिड़ा हो, आपको बात बात में गुस्सा आ रहा हो, तो आप कैमोमिला का प्रयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी से लेके 200 पोटेंसी तक और 1000 पोटेंसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गुस्से के कारण बहुत ही पुराने रोग हो गए हैं, जैसे गठिया हो जाना, और भी शरीर में बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जो गुस्से को दबाने के कारण हो जाते हैं, तो उन्हीं पुराने रोगों में कैमोमिला 1000 पावर में भी आप दे सकते हैं। तो आज मैंने आपको जानकारी दी कैमोमिला के बारे में, जो गुस्से की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है होम्योपैथी की। तो आप ये बताएं, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आपको जवाब देंगे। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपका ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।